हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। एथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर फॉर्म अ पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ डाइमिथाइल ईथर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मीन्स हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है डाइमिथाइल ईथर से। सो की कंसेप्ट यहाँ पर लग जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन रहती है दैट इज़ कि इसमें एक एटलीस्ट वन हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। एटलीस्ट वन हाइड्रोजन जो किसके साथ बॉन्डेड होना चाहिए, ये मस्ट है। बॉन्डेड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और वो साइज में छोटी भी होनी चाहिए, दैट इज़ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरिन। ये क्लोरीन वगैरह भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं बट वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए और वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरिन से उसकी बॉन्डिंग होनी चाहिए। अगर मैं अपने कंपाउंड ड्रॉ कर लूँ, दैट इज़ एथेनॉल CH3 CH2 OH, को मैं ऐसे लिख लेती हूँ OH। दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, डाईमिथाइल ईथर। तो देखिए दोनों ही क्या है, आइसोमर है, लेकिन कौन से आइसोमर है, फंक्शनल। मोलिकुलर फॉर्म दोनों का सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों में डिफरेंट है। इसमें अल्कोहल है और इसमें है ईथर, ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमर हो गए। अब देखिए मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इसमें एक हाइड्रोजन होना चाहिए जो एटलीस्ट आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन से जुड़ा होना चाहिए, तो ये हाइड्रोजन ऐसा है ना। तो ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। अगर ईथर में देखें इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, तो हम ये देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो एच बॉन्ड पोलर हो गया। तो ये अपने ही जैसे किसी दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ, कौन सा, एथेनॉल के साथ, मीन्स दूसरा एथेनॉल ले लें हम, यहाँ पे लगा लें OH, यहाँ पे CH2 CH3, तो ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये वाली बॉन्डिंग जो है वो कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से ये इंटरेक्शन ही होता है, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देते हैं। अब इसमें कोई ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, एच बॉन्डिंग लिख देते हैं, एच बॉन्डिंग इसमें नहीं होगी, समझ गए ना, क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं है जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के साथ अटैच हो। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन और इस कार्बन को देखें, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ये करेगा इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो पार्शियल नेगेटिव हो गया, पार्शियल पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है वो पोलर है। तो इसमें इंटरेक्शन तो होगा लेकिन कैसा, देखिए पोलर है तो डाइपोल डाइपोल, ये अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक इंटरेक्शन करेगा, वो इंटरेक्शन क्या कहलाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे इसमें क्या हुआ, फर्स्ट वाले में क्या हुआ, एथेनॉल अपने दूसरे एथेनॉल के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो ऐसे ही ईथर अपने जैसे दूसरे डाइमिथाइल ईथर के साथ क्या करेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करेगा। बट ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, वीक होता है। देखिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसमें भी होगा, एथेनॉल में भी, क्योंकि इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, तो ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, तो इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए इस ये वीक इंटरेक्शन है, कौन सा, आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, वीक है, वीक है, तो इसको ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगी, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे मैं BP लिख देती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो हम लिख सकते हैं एथेनॉल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एच बॉन्डिंग इन एथेनॉल, ये सही आंसर होना चाहिए, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डाइमिथाइल ईथर, ये गलत है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ये भी सी भी गलत है, और CH3 ग्रुप इन ये भी गलत है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।